नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राजटेक चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, फोटोशॉप में फ़ोटो से स्कैन करके फ़ोटो कैसे बनाएं? दोस्तों, यदि कोई फ़ोटो लेकर आ जाता है आपके पास, जो समझते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बड़ी बात है दोस्तों, कि फ़ोटो आ गया तो कैसे हम उसको बनाएं, कैमरे में खींच कर बनाएंगे तो फ़ोटो की क्वालिटी नहीं आएगी, तो उसको हम स्कैन करके कैसे फ़ोटो बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, कुछ सीखते हैं आज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया था, सब तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद हम यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमको आना है इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे आना है। यहाँ से हमको अपना जो भी प्रिंटर हो, प्रिंटर में हम फ़ोटो रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी फ़ोटो हो, प्रिंटर हो आपका, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम इस पर, हमारा एप्सन M200 है, इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, इसमें हमको कई सेटिंग है। देखिए, कलर पिक्चर है, ग्रे स्केल पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, आर्ट टेक्स्ट है, कस्टम सेटिंग है, और इधर प्रीव्यू है, स्कैन है, कैंसिल है। तो दोस्तों, हमको और नीचे जो एडजस्ट द क्वालिटी ऑफ स्कैन पिक्चर, यहाँ से हम उसका रेजोल्यूशन सेट करते हैं। तो इस पर आप रेजोल्यूशन जा करके यहाँ से आप जो भी 300-400 जो भी DPI करना चाहें, यहाँ से DPI कर सकते हैं। यहाँ से भी पिक्चर की क्वालिटी, कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको 200 DPI में, इसको हम 200 DPI में करते हैं। ओके कर दीजिए, यहाँ से ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना हम और कहाँ से हमको स्कैन करना है। तो दोस्तों, हम प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, ये स्कैन होने लगा। सॉरी दोस्तों, हमने प्रिंटर में फ़ोटो नहीं रखा था। फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोटो स्कैन हो रहा है। ये प्रीव्यू हो रहा है अभी, कि हम अब इसको थोड़ा सा जहाँ से कटे ना फ़ोटो, ऐसे कर दीजिए, मतलब फ़ोटो के बगल से रहना चाहिए कि फ़ोटो कटने न पाए। इसके बाद हमको स्कैन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, स्कैन हो रहा है हमारा। स्कैन हो रहा है दोस्तों, स्कैन हो गया। जितनी ही DPI रेजोल्यूशन ज़्यादा रहेगा, उतनी ही फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी स्कैन होगी, और थोड़ा सा लेट करेगा और DPI कम होगी तो फास्ट स्कैन करेगा, लेकिन फ़ोटो में उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी। दोस्तों, इसके बाद स्कैन कर लिया आप। इसके बाद जहाँ भी आपको सेव करना है, सेव एस पे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं आप।
उसको आप सेव कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप वो सेव कर लेंगे तो उसमें सुविधा यह होगी आपको कि फ़ोटो जैसे कट हो गया तो फिर आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्कैन करके आप तो जानते ही हैं, क्रॉप बटन शार्ट के सी सी बटन पर प्रेस करेंगे तो ये क्रॉप बटन आएगा। इसको आप यहाँ से क्रॉप करके आप इसको रोटेट कर लीजिए, यहाँ से इसको जहाँ से जैसे कट करना है वहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इसमें इसको रोटेट माने फ़ोटो को घुमाना, उसको रोटेट कहा जाता है। दोस्तों इमेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ रोटेट लिखा है, रोटेट 180 अंश, 90 अंश। तो दोस्तों हम 180 पे पूरा घूम जाता है, ठीक उल्टा हो जाता है। जैसे हम 180 कर दिए तो ऐसे हो गया। तो दोस्तों इसको अंडू यदि करना है तो आप यहाँ से एडिट पे जाके अंडू रोटेट या Ctrl+Z अंडू रोटेट पे क्लिक करेंगे, या फिर कीपैड से अपने Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो आपका अंडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तो पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।